पंकज कुमार है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा शानदार हाउस प्लान जिसका साइज है 45 फीट इंटू 65 फीट और इसका प्लॉट एरिया है 2925 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, और इस हाउस प्लान को 2 BHK के साथ साथ एक डाइनिंग हॉल और एक गेस्ट रूम, ठीक है दोस्तों, गेस्ट रूम भी इस हाउस प्लान में डिजाइन किया गया है दोस्तों, और पोर्च भी है और गार्डन भी इसमें डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह प्लान काफ़ी अच्छा बना हुआ है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लान है ये, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस प्लान के पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्या पता आप जो चाह रहे हो उससे रिलेटेड ये प्लान हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए अपन चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। ये देखिए दोस्तों मोबाइल के स्क्रीन पर, जिसका लंबाई 45 फीट और चौड़ाई 65 फीट है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसमें 2 BHK के साथ साथ इसमें एक डाइनिंग हॉल और एक गेस्ट रूम भी इसमें डिजाइन किया गया है दोस्तों, और इसमें ओपन स्पेस भी है और पोर्च भी है दोस्तों। ठीक है, यह प्लान काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है और इसका फ्रंट एलिवेशन भी देखिए दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाया गया है, यह ग्राउंड फ्लोर हाउस प्लान है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इस प्लान के रिव्यू के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेन गेट है, मेन गेट से अपन इंटर करेंगे पोर्च में। पोर्च का साइज है 13 फीट × 15 फीट 1 इंच। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए राइट साइड में स्टेयर है, काफ़ी अच्छा साइज का इसका स्टेयर डिजाइन किया गया है दोस्तों। ठीक है, और इधर देखिए दोस्तों, ये इधर राइट साइड में ओपन स्पेस दिया गया है जिसका साइज 21 फीट 1 इंच × 15 फीट 1 इंच है। ठीक है दोस्तों, और इधर साइड से जगह छोड़ा गया है 4 फीट 3 इंच का। ठीक है दोस्तों, और इधर भी 10 फीट का जगह छोड़ा गया है गार्डन के लिए। उसके बाद अपन पोर्च से इंटर करेंगे गेस्ट रूम में। ठीक है दोस्तों, गेस्ट रूम का साइज है 12 फीट × 11 फीट 8 इंच। ठीक है दोस्तों, और इधर एक विंडो दिया गया है और एक इधर भी विंडो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अपन पोर्च से इधर गार्डन की ओर जाएंगे, तो वहाँ से यहाँ पर से अपन हॉल में इंटर करेंगे। हॉल का साइज है 18 फीट 9 इंच × 14 फीट 10 इंच। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है हॉल से लगा हुआ। ठीक है, और यहाँ हॉल से लगा हुआ एक यहाँ पर कॉमन टॉयलेट है दोस्तों, जिसमें एक ड्रेसिंग भी है, जिसका साइज 4 फीट 4 इंच × 4 फीट 0 इंच है। उसके बाद अपन ड्रेसिंग से होते हुए कॉमन टॉयलेट में इंटर करेंगे। कॉमन टॉयलेट का साइज है 7 फीट 0 इंच × 4 फीट 0 इंच, और यहाँ पर इसका वेंटिलेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हॉल से लगा हुआ यहाँ पर एक डाइनिंग हॉल है, इसका साइज है 9 फीट 9 इंच × 10 फीट 5 इंच। ठीक है, और ये डाइनिंग हॉल से लगा हुआ यहाँ पर एक विंडो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ हॉल से अपन फर्स्ट मास्टर बेडरूम में इंटर करेंगे। इसका साइज है 15 फीट 1 इंच × 12 फीट 0 इंच। यहाँ पर भी एक विंडो दिया गया है, और इस मास्टर बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट है जिसमें ड्रेसिंग रूम भी दिया गया है। ड्रेसिंग रूम का साइज है 4 फीट × 7 फीट 3 इंच, और यहाँ पर एक वेंटिलेशन दिया गया है। ड्रेसिंग रूम से होते हुए टॉयलेट में इंटर करेंगे, इसका साइज है 4 फीट × 7 फीट 3 इंच, यहाँ पर इसका वेंटिलेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अपन हॉल से यहाँ किचन में इंटर करेंगे। इसका साइज है, किचन का साइज 13 फीट × 8 फीट 7 इंच। ठीक है, और यहाँ पर किचन में एक स्टोर रूम दिया गया है जिसका साइज 9 फीट 4 इंच × 3 फीट 0 इंच है। ठीक है, और किचन से लगा हुआ पीछे जाने के लिए ओपन स्पेस दिया गया है दोस्तों, जिसका साइज है 20 फीट 5 इंच × 7 फीट 3 इंच। ठीक है, और इस किचन में एक विंडो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसका प्लेटफॉर्म है,
किचन में। फिर हाल से अपन ये सेकेंड बेडरूम में जाएंगे। इसका साइज है 16 फीट 1 इंच इंटू 12 फीट 0 इंच। यहाँ पर एक विंडो दिया गया है इसमें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस प्लान को काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है। और ये बाहर की तरफ दोस्तों सीधा सीधा इधर गार्डन 10 फीट का जगह छोड़ा गया है इस साइड, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 4 फीट 3 इंच का जगह छोड़ा गया है, ताकि इस पूरे बिल्डिंग पूरा चारों तरफ वेंटिलेशन और एयर का सर्कुलेशन बना रहे, ताकि इस मकान में चारों तरफ वेंटिलेशन मतलब एयर का सर्कुलेशन और प्रकाश का आना जाना हमेशा रहे दोस्तों। इसलिए इस प्लान को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है और साइड साइड में इसमें जगह छोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये प्लान है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका फ्रंट एलिवेशन भी डिजाइन किया गया है, और यह वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एरो का निशान है, इसमें वेस्ट फेसिंग हाउस प्लान है दोस्तों। ये उसके हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा यह प्लान है दोस्तों। ठीक है, इसका फ्रंट एलिवेशन भी कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, देखिए आप। और आप ये ज़रूर बताएंगे दोस्तों कि यह प्लान आपको कैसा लगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट में इंतज़ार करूंगा दोस्तों, और मुझे यकीन है पक्का आप बताएंगे कमेंट में कि यह प्लान आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही दोस्तों, ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं हाउस प्लान से रिलेटेड इस चैनल में वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों, इसमें मॉडर्न डिजाइन के और काफ़ी लेटेस्ट डिजाइन के हाउस प्लान इस वीडियो में लाते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और यह प्लान आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।